हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा रखती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जगह बहुत खुश होंगे और अपनी जगह पॉजिटिव रह रहे होंगे, दूसरों को भी पॉजिटिविटी दे रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बातें करेंगे यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स गाइडेंस के बारे में, यूनिवर्स जो हमें गाइड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे कि यूनिवर्स हमारे साथ कैसे अलाइन होते हैं, यूनिवर्स हमें क्या क्या मतलब संदेश देते हैं, क्या क्या साइन देते हैं, क्यों देते हैं, किस वक्त हमें देते हैं साइन, और सारी बातें जो भी है यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ अंत तक ज़रूर जुड़े रहना। और ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, मैं उनको व्यूअर्स नहीं मानती, मैं उनको फ्रेंड मानती हूँ। अब जो भी फ्रेंड है मेरे नए, उन लोगों को मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये सारी बातें सुनना जानना पसंद है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और मेरी जो इस चैनल की फैमिली है उसको और भी बड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, और सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, तो इसके लिए आपको बेल बटन को क्लिक करना होगा और उसके साथ जो ऑल्स आते हैं उसको भी सिलेक्ट करना होगा, तभी आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत सारी बातें कर ली। और हाँ, एक बात तो बोलना भूल ही गई हूँ मैं, जो लोग मेरे दोस्त हो, मेरे परिवार के हिस्से हो, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर हो इस परिवार में, आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस। सच में अगर आप लोग नहीं होते तो मैं ये वीडियो भी नहीं बनाती। ठीक है, तो सब मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना। ठीक है, तो चलो आज की जो डिस्कशन है स्टार्ट करते। देखियो, हम जब यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं, जब भी हम अलाइन होते हैं, मतलब हम हर वक्त ही अलाइन होते हैं, बट हमें वो फील नहीं आती। ठीक है, हमें वो अच्छे से सारी चीज़ों को समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम किसी तरह डिस्टर्ब्ड होते हैं उस वक्त। ठीक है, कुछ ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर कुछ ऐसे सैड मोमेंट्स हमारे लाइफ में क्रिएट होते हैं जिसके लिए हम लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। लाइफ में बहुत सारी काम होते हैं फिर भी हम लोग अपने आप को अकेला समझते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों में अलग अलग प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन की। ठीक है, तो क्या होते हैं उस वक्त, हम ये भगवान से, डिवाइन से प्रे करते हैं कि जल्दी से हमें वो मतलब जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। ठीक है, और हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि सारी चीज़ों के बारे में जो भी अच्छी हो, सारी चीज़ों में हम मैनिफेस्ट करते हैं। जब हम मैनिफेस्ट करते तब हमें बहुत सारे नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे रेपिटेड नंबर, सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, मतलब एक ही बार बार आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ आपको बटरफ्लाइज भी दिखाई देंगे, उसके साथ आपको फेदर्स दिखेंगे, सारी चीज़ें आपको दिखेंगे उस वक्त। ठीक है, लेकिन जब हमें हमारी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और हमें वो विश मिल जाते हैं, जो भी हमने विश की थी उस वक्त वो हमें मिल गई है, सोचो हमें मिल गई है। ठीक है, तो क्या होते हैं उस वक्त जब हम खुश होते हैं, बहुत अंदर से हैप्पी होते हैं और थैंक यू यूनिवर्स कहते, तब हमें कुछ ऐसे नंबर्स या फिर कुछ ऐसे बटरफ्लाइज फेदर्स उतनी भी नहीं दिखते। ठीक है, दिखते हैं, रेयर दिखते हैं, उतनी भी नहीं दिखते। आप लोग ज़रूर नोटिस करना इस बात को। ठीक है, जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस वक्त क्या होते हैं, और जब आपकी विश कंप्लीट मतलब आपकी विश सारी फुलफिल हो जाती है, तब आपका जो सिचुएशन है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना जो मैं कह रही हूँ वो सच होते हैं या नहीं। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, जब मैं मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैं मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ, उस वक्त मुझे बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी मतलब फील होते हैं, जैसे कि रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे कि ड्रीम्स में बटरफ्लाई दिखना, ड्रीम्स में फेदर्स दिखना, ड्रीम या फिर सच में आँखों के सामने बटरफ्लाइज बार बार आते हैं, फेदर्स मिलते हैं मुझे, रिपीटेड नंबर्स मुझे दिखाई देते, उस वक्त मुझे बहुत 369 दिखाई देते, ऐसा 777 दिखाई देते, 111 दिखाई देते, मुझे बहुत दिखाई देते। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग चीज़ों को आप लोग देख सकते हो, किसको बार बार ब्राउन बटरफ्लाई दिखता है, किसी को वाइट दिखते हैं, किसी को ब्लैक दिखते हैं, किसी को अदर्स कलर दिखते हैं। ठीक है, तो हर वक्त हर व्यक्ति अलग होते हैं, हर वक्त उनको अलग अलग ही चीज़ें नोटिस होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस वक्त प्रेयर कर रहे होते हैं, हमारे डिवाइन से प्रेयर करते हैं, इस उस वक्त हम डायरेक्ट एकदम कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स के साथ। हमारे जो गाइडेंस एंजल्स है, हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे जो स्पिरिट गाइड है, वो हमारे साथ ये
हमें समझाते हैं कि तुम जैसे जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे ही अब तुम्हें सब कुछ मिलेंगे, तुम्हारे सारी चीज़ें बेटर होंगे, बहुत अच्छी होंगी, तुम्हारी बहुत अच्छी लाइफ आ जाएगी, क्योंकि तुम ऐसे मैनिफेस्ट करते रहो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं, तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि उस वक्त भी हम लोग डिप्रेशन में होते हैं, जब भी मैनिफेस्ट करते हैं उस वक्त भी डिप्रेशन में होके ही मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो उस वक्त हमें वो सारी साइन दिखाते हैं यूनिवर्स, ताकि हम लोग अलर्ट हो जाए, हमें पता चले कि हम अलाइन हैं यूनिवर्स के साथ। ठीक है, यूनिवर्स हमें हम सब कुछ संदेश दे रही है उस माध्यम से। और जब भी हमें फेदर्स दिखते हैं तो अलग अलग फेदर्स, मतलब किसी को वाइट फेदर्स दिखते हैं, किसी को वाइट एंड ब्लैक दिखते हैं, किसी को ब्लैक दिखते हैं, किसी को ग्रीन फेदर्स दिखते हैं, किसी को ब्राउन फेदर्स दिखते हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति को अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक मीनिंगफुलिंग है, ये सारी चीज़ों में एक अच्छे सा मीनिंग छुपा है, और यूनिवर्स का सारी इस चीज़ों में कुछ ना कुछ मैसेज छुपा है। तो ये सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैंने अपनी चैनल पे, बंगाली में भी है, हिंदी में भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं जो लोग अभी तक नहीं देखे हो। और तो और उसके साथ बटरफ्लाइज के भी बहुत सारी वीडियोस मैंने की है, और बंगाली में ज़्यादा है। ठीक है, तो हिंदी में भी है, आप लोग जाकर देख सकते हो, वो मैंने हिंदी में भी बनाया है हिंदी भाषा के लिए, जो लोग बंगाली नहीं समझते उनके लिए मैंने फिर से वो बनाया है, और आगे भी बनाऊंगी बटरफ्लाइज के ऊपर। ठीक है, तो आज की जो डिस्कशन वो कंप्लीट करते चलो। तो ऐसे ही आपको, और जब भी आपको फेदर्स दिखते तो उनमें सारी पॉजिटिविटी आपको दिखेंगे, वाइट फेदर्स ब्लैक फेदर्स में अलग अलग मीनिंग होते हैं, इनके लिए आपको इंडिविजुअल वीडियोस देखने होंगे। ठीक है, मेरी चैनल पे है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और उसके साथ जब आपको बटरफ्लाइज दिखेंगे, बटरफ्लाइज भी मेरे चैनल पे है, आप देखोगे जब इंडिविजुअल आप देखोगे कलर स्पेसिफिक क्या होते हैं और क्यों हमें बटरफ्लाई दिखते हैं, सारी वीडियोस है मेरी इस चैनल पे, तब जब भी देखोगे आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ क्यों ऐसा हमें दिखाई दे रहे बार बार, आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। जो लोग अभी नहीं सुन रहे हो उनके लिए भी बहुत आसानी होगी ये समझने में कि हाँ क्या होते हैं यूनिवर्स कनेक्शन, क्या होते हैं हमारे यूनिवर्स के साथ अलाइन, यूनिवर्स हमें कैसे गाइड करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको, सारी नॉलेज आपको उस वक्त हो जाएंगे, तभी आप बहुत आसानी से अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकोगे, आप मैनिफेस्ट कर सकोगे बहुत आसानी से। ठीक है, आपकी जो प्रोसेसिंग है बहुत अच्छी कूल होंगी उस वक्त। और यूनिवर्स हमें सारी चीज़ों में, जैसे बटरफ्लाई जब दिखाते हैं तो बटरफ्लाई क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करते हैं हमें सारी चीज़ों में उसकी नॉलेज हमें देते हैं। बटरफ्लाइज एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उस वक्त हमें पॉजिटिव फील भी होते हैं, जब हम वाइट बटरफ्लाई को देखते तो बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर आते हैं, बहुत फील अच्छे होते हैं उस वक्त, जब भी हम ऐसे डिप्रेशन मूड पे होते हैं और हमारे पास से वाइट बटरफ्लाई गुजर गए हैं, तो आप जब भी आंखों से देखोगे एक पॉजिटिविटी आपको नजर आएंगे। ठीक है, आप फील करोगे कि पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर हो रही है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई होगी उस वक्त। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गाइडेंस है हमारे जो यूनिवर्स हमें देते हैं, हमारे एंजल्स हमें देते हैं, और हर वक्त ये हमें याद दिलाते हैं कि वो हमारे साथ है। जैसे रिपीटेड नंबर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे रिपीटेड नंबर होते हैं 1111, किसी को दिखते हैं, किसी को 111 दिखते हैं, किसी को 4 times 1 दिखते हैं। ठीक है, किसी को 777 बहुत दिखाई देते हैं, जैसे मुझे 777 बहुत दिखाई देते हैं, 369 नंबर्स बहुत दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत दिखाई देते, पता नहीं मैं जब भी मैनिफेस्ट करती हूँ मुझे ये नंबर बहुत दिखाई देते, और 777 तो बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। ठीक है, वो बहुत स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 777 के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, 111 के बारे में भी बनाए हैं, और 369 के भी ऊपर बनाए हैं, 69 के ऊपर, सारी थोड़ी बहुत मैंने इस नंबर के ऊपर वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, इस चैनल पे। तो सारे इंडिविजुअल जो भी वीडियोस है आप लोग देखोगे और समझ आएगा आपको। और एक बात आपको कहूँगी, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम लाइफ में आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं बता सकता कि हाँ मेरी लाइफ एकदम अच्छी है, एकदम हैप्पी हूँ, नहीं, हैप्पी हमें रहना है, हैप्पी हमको क्रिएट करना है, हैप्पीनेस हमको क्रिएट करना है। ठीक है, अगर हम हैप्पीनेस को क्रिएट करेंगे खुद ब खुद, तो कोई भी हमें आना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा, हैप्पीनेस हमारे अंदर होनी चाहिए,
खुद ब खुद हमें क्रिएट करनी चाहिए हैप्पीनेस, ठीक है। और आप लोग कहोगे कि जब हम डिप्रेशन में होते कैसे हैप्पीनेस हो, उस वक्त आपको मेडिटेशन करने होंगे, आपको यूनिवर्स के ऊपर एक अलाइनमेंट क्रिएट करने होंगे, यूनिवर्स को आपको प्रे करना है, या फिर आप जो भी डिवाइन को पसंद करते हो, चाहे जो भी हो, आपको गॉड को चाहो तो भगवान को चाहो या फिर अल्लाह को, जो भी हो आपको उस वक्त मेडिटेशन के थ्रू आपके अंदर की शक्ति जो भी है आपको उसको, आपकी जो इनर पावर है आपको इंक्रीज करना है उस वक्त, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि हमें हमारी अंदर की जो इनर पावर है इंक्रीज करना है, ताकि हम गॉड के साथ या डिवाइन के साथ यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं ज़्यादा जल्दी, और हमें हमारे जो भी दुख है वो हमसे दूर हो जाए, ठीक है। हमें फिर से वापस जो हैप्पीनेस है हमें मिल जाए, इसके लिए हमें खुद को इसे क्रिएट करना होगा। तो आपको उस वक्त आपकी जो दिमाग है उसको ठंड रखने के लिए आपको मेडिटेशन करनी होगी, क्योंकि आप जब भी मेडिटेट करोगे अपने अंदर की जो भी आपको जो भी है, आपके पेन है, आपकी डिप्रेशन है, आपके स्ट्रेस है, सब कुछ आप देखोगे कि तुरंत आप महसूस कर पाओगे कि हाँ एक बहुत अच्छी गुड वाइब्स अंदर हो रही है महसूस, और मैं बहुत अच्छी फील कर रही हूँ, उस वक्त आपको लगेगा ही लगेगा। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन हर वक्त करनी है, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो उसको आपको जारी रखनी है, बस आपको ये करना है। तो देखोगे कि आप खुद ब खुद समझ पाओगे, क्योंकि आपकी जो आपको जो गाइड कर रहा है यूनिवर्स, आपको गाइड हमेशा कर रहा है, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहा है। आप यूनिवर्स कह लीजिए, एंजल्स कह लीजिए, आपको जो भी कह लीजिए आपको, ठीक है, स्पिरिट गाइड कह लीजिए, वो आपके साथ हमेशा है, आपका गॉड आपके साथ हमेशा है। तो आप भगवान को या अल्लाह को या फिर गॉड को, जिसको भी मानते हैं, जो भी डिवाइन पावर आपको पसंद है, उनको आप अच्छे दिल से पुकारे, आप उनके साथ जुड़िए, आप एंजल्स को थैंक यू कीजिए, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, तो आप देखना आपकी सारी प्रॉब्लम झट से कैसे दूर हो जाते हैं। आप उस वक्त के लिए जब आप मेडिटेट कर रहे हो, उस वक्त के लिए आपको एक अच्छा शांति मिलेंगे, आपका दिमाग शांत हो जाएंगे, और बहुत अच्छी फील होंगी उस वक्त आपको, ठीक है। आप बहुत सारी आपके जो भी क्वेश्चन आंसर आपको उस वक्त के लिए आपको आपके दिमाग शांत रहेंगे, और सारी बहुत सारी प्रोसेस है जिससे हमें ये भी पता चल रहा है, हमारे जो भी क्वेश्चन है हम एंजल्स को करते हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों में बता देते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ साइन के माध्यम से हमें वो आंसर देते हैं, ठीक है। एंजल्स भी हमें आंसर देते हैं, यूनिवर्स भी हमें आंसर देते हैं, ऐसे सारी चीज़ें हमें आंसर में मिल जाते हैं उस वक्त, लेकिन हमें थोड़ा टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितनी ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब खुद को भी ट्रस्ट करना होगा 100% कि हाँ मेरे से होगी, और यूनिवर्स के ऊपर भी आपको हमेशा 100% ट्रस्ट रखना होगा, एंजल्स के ऊपर हमेशा 100% ट्रस्ट रखना होगा, तभी आपका जो भी प्रॉब्लम है जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आई समझ में, यूनिवर्स हमें हमेशा गाइड करते, हमारे एंजल हमें हमेशा गाइड करते, हमारे गाइड स्पिरिट हमेशा गाइड करते, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमेशा खुश रहना और हमेशा पॉजिटिविटी अपने अंदर रखना, देखना नेगेटिविटी झट से दूर हो जाएंगे, नेगेटिविटी ज़िंदगी में आएंगे लेकिन हटाना हमारी काम है, ठीक है। हमें उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, हमें उन्हें हटा देना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आए समझ में, आज इतना ही दोस्तों, आज इतना ही यूनिवर्स के बारे में, एंजल्स के बारे में आपके साथ शेयर की। आई होप आपको अच्छे लगे ये वीडियो, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और आपको कमेंट में बता सकते हो कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए और क्या क्या जानना है, आप कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी वीडियोस के माध्यम से आपको आंसर देना। और ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है, और नेक्स्ट मैं और एक अच्छी सी टॉपिक लेके आऊँगी आपके पास। आप लोग बहुत खुश रहना ज़िंदगी में, हमेशा सारी चीज़ों में नोटिस करना, अपने अंदर खुद की जो पावर है, इनर पावर है, उसको आपको हमेशा अपने अंदर एक बहुत अच्छी जगह देनी है, आपको बहुत अच्छे से रहना है, दूसरों को भी अच्छे से मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो ठीक है, आप बहुत अच्छी रहो, और ज़िंदगी में हर एक चीज़ आपको मिले, गॉड की जो ब्लेसिंग है आपको हमेशा बने रहे, तो हमेशा हैप्पी रहना और पॉजिटिव रहना। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, टाटा, लव यू ऑल।